गुड मॉर्निंग एवरी वन, माय नेम इज तनवीर अहमद एंड वेलकम यू ऑल फॉर टुडे ऑनलाइन एनालिसिस क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गैसियस स्टेट में जो भी सब्सटेंस होती है तो उनकी क्या डिफ्यूज होने की कैपेसिटी रखती है वो, ठीक है। तो मैंने एक सिरिंज को लेकर के देखा था कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन होती है, तो गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होने की टेंडेंसी रखती है। तो यहाँ पे मैंने देखा था तीन कंडीशन थी, सॉलिड के जो मैटर्स होते हैं जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होती हैं, उसके उनके बाद लिक्विड होती हैं, उनके बाद क्या होती हैं गैसेज होती हैं, मतलब सॉलिड के सबसे क्लोज के बाद थोड़ा दूर दूर होती हैं किसकी, लिक्विड की होती हैं, और सबसे फार्देस्ट होती हैं किनकी, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या चीज़ कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशनड है, आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करो अपने से, ट्राई एट योर होम, ठीक है। नहीं बनेगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ट्राई कोशिश करूँगा कि इसको आपको बता दूँ, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ो अच्छे से और अपने से बनाने की कोशिश करो, जितना मैंने अभी पिछला लेक्चर में पढ़ाया, अपने बुक को पढ़ो समझो उसके बाद बनने की कोशिश करो, नहीं बनेगी इसके बाद मैं बताऊंगा आपको सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। यानी मैटर चेंज इट्स स्टेट, अब क्या बात हो रही है कि मैटर क्या वो अपने स्टेट्स को चेंज कर सकती है, मतलब कंडीशंस, स्टेट कहते हैं किसको, कंडीशंस को कहते हैं, कि मान लो कि अभी सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, या लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट होंगी, या फिर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होंगी, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज क्या है ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ स्टार्ट करते हैं। We all know from our observation that water can exist in three state of matter. Three states of matter. तो water three states of matter में solid है, as a ice, liquid, as a familiar water and gas a water vapor. ये तीन condition आपको states में मौजूद होते हैं water. What happens inside the matter during this change of matter? क्या होती हैं इनके अंदर, ठीक है, जो इनका अंदर जब ये changes आती हैं, ठीक है ना। What happened to the particle of matter during the change of the states? तो particle of matter में क्या होती हैं during the change of states में, जब वो state change करती हैं तो particle of matter में क्या changes आते हैं, how does the change of state take place, और वो state कैसे change होती हैं, ठीक है। We need answer to this question, isn't it? तो हम लोग को जानना ज़रूरी है, तो कैसे देना है, चलिए समझते हैं इस experiment से, करना क्या है आपको। सबसे पहले activity 1.12 में देखना है आपको इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज होती है तो क्या होती है। सबसे पहले टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। तो क्या सबसे पहले क्या किया मैंने कि एक थर्मोमीटर लिया, उसको फिर कॉन्टैक्ट किया किससे, आइस के कॉन्टैक्ट में लाया, थर्मोमीटर है, ग्लास स्टीयर है, बीकर है, आइस है, लास्ट में बर्नर रखा, बर्नर को कंटिन्यूस हीट करना शुरू किया। तो यहाँ पर देखोगे आप वो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गई, मेल्ट कर गई वाटर, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, थर्मोमीटर, ग्लास स्टीयर, उसके बाद बीकर है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद बर्नर है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल ऑफ वाटर कन्वर्टेड आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो व्हाट यू विल गेट, व्हाट विल गेट, हुआ क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर, ठीक है ना। चलो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग हीट इन द बीकर ऑन ए हाउ ऑन ए लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इन टू वाटर, है ना। सबसे पहले हीट किया तो वो कन्वर्ट हुए, सब नोट किया, उस वक्त टेम्परेचर नोट किया, फिर बाद का टेम्परेचर नोट किया, रिकवरी और ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, नाउ पुट द ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, बॉइलिंग तब जब तक ना हो जाए वाटर तब तक उसको स्टिरिंग करते रहो, कीप ए केयरफुल आई ना, कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड, देखोगे कुछ देर के बाद वो वेपोराइज्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन टू लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो फर्दर लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही, तो उनका भी रिकॉर्ड आपको करना है ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप किसी भी सॉलिड का अगर इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर तो क्या होगा, उनका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाता है। ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसके पार्टिकल काफ़ी स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम्स द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, वो क्या करती हैं, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, इसको वीक करती हैं, है ना। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, है ना। ए लार्ज स्टेट इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू द लिक्विड। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो उनके पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है और सेपरेट होते जाते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, ठीक है ना, और अपना पोजीशन को छोड़ देती हैं। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू द लिक्विड। अब क्या होती है, जब वो दूर दूर चली जाती हैं तो सॉलिड कन्वर्ट होती है लिक्विड में एंड बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को जहाँ पे आपका सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर पर क्या, वो क्या कहलाती है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाई। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो बताती हैं, स्ट्रेंथ बताती हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस में को हम लोग कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो एनर्जी जाती कहाँ, जहाँ पे वो देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या हो रही है वहाँ पे, आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो वो टेम्परेचर जाती कहाँ, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या बताया गया इसमें, ठीक है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।